हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा कॉर्नर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज है महाशिवरात्रि का पर्व, महापर्व आज है महाशिवरात्रि का, आप सभी को पता है। तो मैं सुबह सारे काम निपटा के सबसे पहले पूजा में लग गई हूँ कि भगवान जी की पूजा करके मंदिर से आ जाती हूँ। उसके बाद फिर बच्चे भी उठ जाएंगे, तो उसके बाद फिर घर का काम भी जो रहेगा वो करेंगे। तो मैं मंदिर में आज भगवान जी के, शंकर जी की शिवलिंग का अभिषेक करूंगी, उनका श्रृंगार करूंगी अच्छे से। और उसके बाद मैं जैसे डेली पूजा करती हूँ, मैंने उसी तरीके से ही आज पूजा की है। और घर पे मैं ये बेलपत्र और धतूरा इन सबको नहीं चढ़ाऊंगी, टेंपल जाऊंगी तो वहाँ पे चढ़ाऊंगी। यहाँ पे मैंने जैसे डेली करती हूँ मैं उसी तरीके से की हूँ पूजा। और हाँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हल्दी चढ़ा तो नहीं चढ़ाना चाहिए शंकर जी के शिवलिंग को, तो आज के दिन मैं आप सबको बता दूँ कि चढ़ा सकते हैं। तो आज मैं भी चढ़ाऊँगी, मैंने हल्दी भी चढ़ाई, मैंने वो चंदन भी लगाया है, मैंने कुमकुम भी लगाया है। तो मैंने आज के दिन आप सब कुछ लगा सकते हैं शंकर जी को, क्योंकि जो माता पार्वती की माता जी थी मैना माता जी, उन्होंने आज के दिन शंकर भगवान जी को सब कुछ चढ़ाया था, सब कुछ लगा के उनका स्वागत किया था। तो आज उनकी शादी है तो उन्हें हर चीज़ लगाना चाहिए, और आज मैं लगाऊंगी भी। और जैसे कि मैंने पंचदीप को प्रज्वलित कर लिया है, दीप और धूप अगरबत्ती ये सभी चीज़ें आप आज के दिन ज़रूर से ज़रूर ये सब करें, क्योंकि आज का बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है शिवरात्रि का, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। शंकर पार्वती जी का विवाह आज के दिन हुआ था, इसलिए आज के दिन जितना हो सके आप 108 मंत्र का जाप भी आज के दिन ज़रूर करें। शिव चालीसा है उसको भी आप ज़रूर पढ़ें। और डेली नहीं हो पाता है क्योंकि हमें काम रहते हैं, बच्चे हैं, पर अगर आप व्रत हैं तो कोशिश करिए कि ज़रूर करिए। तो मैंने आरती मैं कर रही हूँ, आरती करके उसके बाद भोग लगाऊंगी। और भोग भी मैंने नॉर्मल ही जैसे मैं करती हूँ, मेवे और उस ड्राई फ्रूट ये सब का ही मैंने आज भोग भी लगाया है भगवान जी को। तो शाम को फिर जो मैं बनाऊंगी व्रत के लिए उसको मैं चढ़ाऊंगी। और आज सुबह सुबह ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया तो मैंने सिर्फ खोए और मेवे ये सब करके ही मैंने भोग लगा दिए हैं। तो पूजा आप कर लीजिए, घर की भी पूजा जैसे मैं डेली करती हूँ उसी प्रकार से घर की भी पूजा, सारे भगवान जी की भी मैंने की। और उसके बाद शिव जी की पूजा करने के बाद टेंपल से आऊँगी, तो फिर कुछ तो पूजा संपन्न हो गई है सब कुछ। देखिए भगवान जी की भी, जो घर के भगवान जी की पूजा होती है वो भी मैंने कर ली है अच्छे से। तो उसके बाद आज के दिन मैं रेड साड़ी ही वेयर करती हूँ ज़्यादातर, मैं फेस्टिवल अगर है कोई व्रत हूँ तो मैं ज़रूर रेड साड़ी डालती हूँ। तो आज भी मैंने रेड साड़ी ही पहनी है। तो जाप और ये सब मेरा संपन्न हो गया है। व्रत रहिए तो पूजा में भी बहुत मन लगता है क्योंकि भक्ति ज़्यादा आती है। तो आज के दिन तो टेंपल तो गए, भगवान जी का दर्शन आप सब कर लीजिए, पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, 2-2.5 घंटे वहाँ मशक्कत करने के बाद दर्शन हुआ। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मैं आते ही तुरंत लेके खाने को बैठी और एक गिलास पहले पानी पिए, और उसके बाद मैं थोड़ा सा करूँगी आराम, फिर शाम को सोसाइटी में भी सब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर वहाँ जाएंगे, तो फिर आप सबसे मिलेंगे। अभी थोड़ी अब तो मैं आराम करूँगी, जो घर का काम है वो सब करके फिर शाम को मिलते हैं। ये देखिए हम सब रेडी हो गए हैं, आरू भी रेडी है और प्रणव तो सो गया है, उसको हम छोड़ के जाएंगे। और ये देखिए
इनको नींद नहीं है, ये देखो हाय बोल रही है आप सभी से। तो हम सब आ गए हैं जहाँ पे सोसाइटी में सेलिब्रेट सब कर रहे थे, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे से अभिषेक और ये सब हुआ है, 108 नाम उनके अभिषेक हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग करके प्रसाद भी मिलेगा, तो प्रसाद हम लोग लेके अच्छे से पूजा करके हो गई हमारी, और बेटी को भी काफ़ी अच्छा लगा ये सब पूजा देख के, मम्मा क्या है भगवान जी ऐसे कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा उसको भी लगा। और हम लोग प्रसाद लेके अब हम सब जाएंगे घर, क्योंकि 12 o'clock तक पूजा थी, 12 o'clock हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा इस बार शिवरात्रि, सोसाइटी में भी हुआ तो यहाँ भी काफ़ी इंजॉय किए और अच्छा भी लगा। और आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से, और सभी आप सभी को ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो चलिए फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।